हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई विश आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी, खूब सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, खूब सारा रंग खेला होगा, सबसे मिले होंगे, खूब मज़े करे होंगे, क्योंकि मज़े करने के लिए ही तो होली आती है ना। वेलकम बैक टू माई चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड, और मैं हूँ सौम्या। और सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो ये व्लॉग होली के बाद जाने वाला है, पर कोई नहीं, होली एक दिन थोड़ी ना चलती है। मैं आज आपके साथ में अपना होली का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि इधर पर कोई है नहीं है और मैं अभी यहाँ पर नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं यहाँ का। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या करना है। आपकी होली कैसी रही, क्या क्या किया आपने होली में, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आज का जो व्लॉग है, मैं सुबह 6 बजे से शुरू कर रही हूँ। सो अभी टाइम हुआ है सुबह का 6, और मेरा सबसे पहले काम होता है दूध के पैकेट्स लेना बाहर से। वैसे तो मैं रोज पैकेट्स लेकर के वापस से सो जाती हूँ, लेकिन आज होली है और जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो भी छुट्टी पर हैं, क्योंकि होली पर तो सबकी छुट्टी बनती है। तो आज मुझे घर का सारा काम भी करना है, दैट्स व्हाई मैं फिर वापस सीधे काम पर लग गई। एंड रोज का सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन यही होता है कि सुबह उठ के पानी पीना, फिर एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कभी कभी करती हूँ, और आज वो भी नहीं करी क्योंकि मुझे काम करना था और होली थी। तो फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना आपके साथ में अपना होली का व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि सबके साथ में मनाने में ही अच्छा लगता है। मेरा सुबह का सफाई से लेकर के सारा कुछ काम हो चुका है, मैंने नहा भी लिया है, और अब मैं भगवान जी के साथ में रंग खेलूँगी। मैं सबसे पहले अपने भगवान जी को ही कलर लगाती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पूजा की थाली में कलर भी रखा हुआ है, और बस शुरुआत हो गई मेरी होली की। तो चलो फिर अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं होली का क्या प्लान है। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो रहा है, जो कि मेरे पति देव ने बनाया था। कभी कभी मैं काम करवा लेती हूँ अच्छा खासा। एंड यहाँ पर मैंने इसको ऐसे डेकोरेट करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए फ़ोटोज़ लेने थे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। सो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, पूरा होली वाला फील आ रहा है। आ जाइए आप लोग भी खाते हैं। और अब मैं फाइनली जा रही हूँ होली खेलने अपनी बहन के घर में, जो कि गाज़ियाबाद में रहती है। एंड आप बाहर देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, मतलब बाहर निकलने के बाद में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहाँ ही आ गए, होली वाला बिल्कुल भी फील नहीं था।
और फिर इसके बाद में अब हम सीधा जाएंगे गाज़ियाबाद, क्योंकि वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहती है एंड कोई भी फेस्टिवल होता है तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। एंड यहाँ आते ही होली देखने मिली। देख रहे हैं आप कितने लोग होली खेल रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बहुत सारे लोग होली खेल रहे थे। ये रही गुजिया, जो कि मेरा मेन मोटिव था जाने के लिए। मुझे घर की बनी गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद में हम बैठे, बातें करी, बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी सा खाना खाया। मतलब फुल होली वाली वाइब्स थी कि हाँ होली है, लग रहा था कि कुछ अलग अलग सा नया नया सा। और फिर अब इसके बाद में शुरू हुई हमारी होली। ये हाथ में तो बड़ा खा कुछ नहीं, अब वो कर रहा है। और फिर बस उसके बाद में हम वापस आ गए क्योंकि इनका ऑफिस टाइम भी था। बहुत ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था इस बार। वो वाली होली जो हमेशा से होती रही, ऐसी कोई होली नहीं थी। बहुत ज़्यादा शांत शांत सा था, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ। जितना कुछ हुआ मैंने सारा कुछ शेयर करने की कोशिश करी है आपके साथ में। सो फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं और अब मुझे ये अपना रंग वंग भी साफ करना है। मैंने आपसे दिन में बात करी थी और उसके बाद में अब मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, क्योंकि हम आके फिर नहा वहा के सो गए थे। हम अबाउट 2:30 बजे के अराउंड तक आ गए थे, क्योंकि 4 बजे से फिर मेरे हस्बैंड का शिफ्ट है। एंड मेरी होली बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा मज़े करे, क्योंकि मुझे पर्सनली होली सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रंग खेलना अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही, जब से मैं छोटी थी तब से, बचपन से ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे होली के लिए, बहुत कलर्स खेलते थे, मज़े करते थे। लेकिन इस बार ही मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे कोई नो सब वो ज़रूरी भी है वो सारा कुछ करना। एंड इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सो दैट मीन्स कि मेरे को लग रहा था कि मज़ा नहीं आने वाला है इसके लिए। फिर हम वहाँ गए और वहाँ पे बहुत सारे मज़े करे, अच्छा अच्छा सा खाना खाया, रंग खेला, बहुत मज़ा आया। और अभी मैं गुजिया खा रही हूँ, जो कि भी मैं वहाँ से ही लेके आई हूँ, आंटी ने मेरे को पैक करके दिया है। हम वैसे तो मोस्टली सब अलग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि सारे लोग इकट्ठे हों, तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, अपने कज़न्स को मिस कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा होली खेलते हैं मेरे भाई बहन, बहुत हम लोग मस्ती करते हैं, भाभी को लगाते हैं, सबको मतलब लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ भी होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को होली खेलना नहीं पसंद है। तो मुझे सुबह से लग रहा था कि मैं क्या करूँगी, मेरी कैसी होली, बहुत आवाज़ आ रही है, सॉरी। अभी ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे, मतलब अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना होली वाला फील नहीं आ रहा था। होली वाला फील तभी आता है जब हम गुजिया खाते हैं, कलर खेलते हैं। और मेरे पास गुजिया भी वो घर वाली नहीं थी, मैंने बाहर से ली हुई थी, पर जो मज़ा घर के उस पे आता है ना वो नहीं आता है। तो मेरा सारा कुछ हुआ, मैंने होली भी खेली, गुजिया भी खाई, मज़े भी करे, और जो घर की कमी थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी त्यौहार में अपनों के बीच में ही अच्छा लगता है। और फिर मैं तो अपनी बहन के घर गई थी, तो ऑब्वियसली मज़ा आने वाला है, और वहाँ पे भी सारे लोग मतलब पूरी फैमिली सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़े करे।
और बस अभी मैं बैठी हूँ अपनी बालकनी में। मोस्टली मैं रोज़ शाम को यहाँ पे बैठती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड सो दैट्स इट, इस तरीके से रही मेरी 2021 की होली। आपकी होली कैसी रही, आपने क्या क्या किया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड अगर आपने ये वाला व्लॉग वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।